नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे वो सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा की तरह सैमसंग कुछ ना कुछ सारे प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन करती है, तो इस बार भी सैमसंग ने इस फ्रिज के साथ कुछ नया इनोवेशन किया है। सो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सैमसंग जो है हमेशा की तरह मेड फॉर इंडिया के तहत जितने भी हमारे इंडियन कस्टमर है उनके ज़रूरत के अनुसार कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करती है, तो इस बार भी कुछ नया किया है। तो चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप फ्रिज में खाना बना सकते हो? यस या नो? ऑब्वियसली यस, यानी कि अब जो आप ये जो फ्रिज देख रहे हैं हमारे पीछे जो लगा हुआ है, ये वर्ल्ड्स का पहला रेफ्रिजरेटर है जो कि कर्ड माइस्ट्रो के साथ आता है। इस फ्रिज में आप प्रिजर्व प्लस स्टोर फूड के अलावा आप इसमें प्रिपेयर भी कर सकते हो फूड को। और ये कर्ड माइस्ट्रो कैसे वर्क करता है ये हम इसमें देखेंगे और आपको बताएंगे एक्सप्लेन करके कैसे ये कर्ड माइस्ट्रो काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कर्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए बिकॉज क्योंकि जो कर्ड है यानी कि ये हमें हर सीज़न में चाहिए होता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जब भी हम घर में ऐसे अगर नॉर्मली हम लोग अगर प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमको क्या क्या सामना करना पड़ता है? पहला, उसका टेस्ट एक जैसा नहीं होता है। सम टाइम आपको देखेंगे कि थोड़ा सा जैसे लाइक पानी वगैरह छोड़ देता है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता, यानी कि बहुत सारा आपको चैलेंजेस मिल जाते हैं दही बनाने के दौरान। तो हम बात करेंगे कैसे इसमें वर्क करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कर्ड माइस्ट्रो हमारे साथ है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेपरेट एक बॉक्स दिया हुआ है कर्ड माइस्ट्रो के लिए। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, नॉर्मली आपको ये कर्ड माइस्ट्रो बॉक्स निकालना है और ये जो बॉक्स आएगा ये 1 लीटर के साथ आएगा और ये एयर टाइट बॉक्स है। सिंपल आपको यहाँ से हल्का सा ऐसे रिमूव खींचना है। खींचने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स को जो है आसानी से इसमें ओपन करोगे और ओपन करने के बाद आपको इसमें नॉर्मली जो दही होता है 1 या 2 स्पून से डालना है वार्म दूध में, यानी कि गर्म दूध में डाल करके इसको नॉर्मली सिंपल इसको पैक कर देना है। और पैक करने के बाद जैसे नॉर्मली पहले जैसा मैंने दिखाया था कि इसमें सेट किया हुआ था बॉक्स में, इस तरह से इसमें इसको ये फिट कर देना है। और फिट करने के बाद आप देख रहे हो जैसा यहाँ पे सेटअप है और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे करने के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है। आप देख रहे हो जैसा ही काफ़ी अच्छा डिस्प्ले भी दिया हुआ है, तो डिस्प्ले से आसानी से आप कर सकते हो। ये बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है, कर्ड के लिए। तो ये बटन आप जैसे प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे रहेगा सर्व में लाइट जलते रहेगा, ठीक है। तो लाइट जब ऑन रहेगा यानी कि आपसे ये पूछ रहा है आप सॉफ्ट कट बनाना चाहते हो या फिर आप थिक बनाना चाहते हो। अगर मेरे को सॉफ्ट बनाना है तो सॉफ्ट के लिए प्रेस करेंगे बटन, अगर मेरे को थिक के लिए करना है तो थिक के लिए बटन प्रेस करके जाएंगे। यहाँ हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और मैं बता दूँ तो ये प्रोसेस करने के बाद अब आप रहा टाइम, यानी कि ये टाइम कितना लेगा। अगर आप कर्ड अगर आप सॉफ्ट कर्ड बनाना चाहते हो तो ये जो टाइम लेगा करीब 6.5 आवर यानी कि 6.5 घंटे लेगा। और अगर आप इसमें थिक कर्ड बनाना चाहते हो तो उसमें ये 7.5 आवर्स यानी कि 7.5 घंटे का इसमें टाइम लेगा, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है। और ये टाइम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो आप मैंने जो पहले बताया था सर्व के लिए यहाँ पे लाइट इंडिकेट होगा, ठीक है, यानी कि अब आपका टाइम पूरा हो गया है और आपका जो ये कर्ड है ये बनकर काफ़ी अच्छे से तैयार है। उसके बाद फिर आप निकाल करके काफ़ी आसानी से आप सकते हो एंड काफ़ी अच्छा ये परफेक्ट प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। देन जैसा कि आपने देखा दही बनकर के तैयार है, आप इसको घर पे आसानी से सर्व करिए, काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी रहेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस बॉक्स में आप अप टू 3 डेज यानी कि आप 3 दिनों तक आप अपने दही को इसमें स्टोर करके रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहने वाला है क्योंकि ये सेपरेट बॉक्स के साथ मिल जाता है। अब मैं इसकी टॉप रीज़न बता दूँ कि ये क्या क्या इसमें बेनिफिट है। पहला रीज़न कि ये टेस्टी के साथ साथ आपको सारे सीज़न में हमेशा एक ही टाइम लगेगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम अगर बताऊँ तो ये स्टैंडर्ड टाइम लेगा आपको कर्ड मेकिंग में हमेशा ऑल सीज़न के लिए। तीसरा अगर बात करूँ मैं रीज़न, तो तीसरा है कन्वीनियंट पार्ट, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और चौथा बात करिए तो ये वेस्टेज, यानी कि इसको प्रोसेस बनाने में आपको वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगा। एंड लास्ट अगर बात करें फिफ्थ रीज़न, तो इसके लिए सेपरेट अलग से इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है। तो ये था टॉप रीज़न इस फ्रिज के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप नया फ्रिज लेने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मस्ट बाय दिस फ्रिज एंड दिस रेफ्रिजरेटर। सो थैंक यू सो मच।